नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोग राजस्थान जिला दर्शन सीरीज़ कर रहे थे और राजस्थान जिला दर्शन सीरीज़ में हम लोग राजस्थान के नवीनतम 8 जिलों पर बात कर चुके हैं। आज हमारा राजस्थान का 9वां जिला है और उस जिले का नाम है आपका सलूम्बर। आज की इस वीडियो में हम लोग सलूम्बर जिले के बारे में, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, या आपका कला और संस्कृति वाला पोर्शन हो, उससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। वैसे ज़्यादा कुछ सलूम्बर में चेंज हुआ नहीं है, तो बहुत छोटा सा, यानी एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्षेत्रफल या जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा सा ज़िला हम करने जा रहे हैं और उस ज़िले का नाम है सलूम्बर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सलूम्बर ज़िले की। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका निर्माण उदयपुर ज़िले को, कौन से ज़िले को, उदयपुर ज़िला जो है, उदयपुर ज़िले से इसका निर्माण किया गया है। और संभाग की यदि हम लोग बात करें, इसका जो संभाग होगा उसका नाम होगा उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग? उदयपुर संभाग। यानी सलूम्बर ज़िला कौन से संभाग में स्थित है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे उदयपुर संभाग में। अब आगे प्रश्न आता है कि इसकी स्थिति क्या है, क्या यह किसी प्रकार की अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है या अंतर्वर्ती ज़िला है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे कि सलूम्बर जो है वो आपका अंतर्वर्ती ज़िला है। कैसा ज़िला है? अंतर्वर्ती ज़िला है। यानी ये न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। इस प्रकार से राजस्थान के जो 22 अंतर्वर्ती ज़िले हैं उनमें से एक ज़िला कौन सा है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे सलूम्बर। आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से उपखंड है और कौन कौन सी तहसीलें हैं। यानी उपखंड और तहसीलों की संख्या की यदि हम बात करें तो आपके सलूम्बर ज़िले में 4 तो उपखंड है। उपखंड कितने हैं, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 4। और तहसीलों की संख्या की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 5 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें? 5 तहसीलें। 5 तहसीलों में एक तहसील का नाम है सराड़ा, एक का नाम है सेमारी, एक का नाम है लसाड़िया, एक का नाम है सलूम्बर और एक का नाम है जल्लारा। तो इस प्रकार से ये आपकी 5 तहसीलें हैं जो कहाँ पर स्थित है, सलूम्बर में। यहाँ यदि हम लोग बात करें तो सलूम्बर का जो ज़िला मुख्यालय है ये आपका सलूम्बर में है और बाकी जो 4 तहसीलें हैं, चारों की चारों तहसीलें सीमा बनाती है किससे? सलूम्बर से। तो एक विशेष फैक्ट आपका ये हो गया कि सलूम्बर ज़िला जो है इसके ज़िला मुख्यालय से आपकी चारों तहसीलें, चाहे वो सराड़ा हो, चाहे वो आपका लसाड़िया हो, चाहे आपका सेमारी हो या आपका जल्लारा हो, ये चारों की चारों सीमा बना रही है किससे? सलूम्बर से, जिला मुख्यालय से जुड़ी हुई है। आगे बात करते हैं कि सलूम्बर ज़िला किन किन ज़िलों से सीमा बनाता है। तो ये आपका सलूम्बर ज़िला उदयपुर से अलग करके बनाया गया ज़िला। सलूम्बर की यदि हम बात करें सीमा रेखा की, तो इसकी सीमा रेखा कौन कौन से ज़िलों से लगती है, तो ये हमारा हो जाएगा सलूम्बर। और सलूम्बर सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है जिससे अलग किया है, यानी उदयपुर। उदयपुर के बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद प्रतापगढ़ और चित्तौड़। यानी 4 ज़िलों से ये सीमा बनाता है। 4 ज़िले कौन कौन से? उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़। ध्यान रखना ये बांसवाड़ा से सीमा नहीं बनाता है। तो सीमा रेखा हम लोग लिख लेंगे कि सलूम्बर ज़िला जो है ये आपका 4 ज़िलों के साथ, कितने ज़िलों के साथ? 4 ज़िलों के साथ सीमा बनाता है। 4 ज़िले कौन कौन से? तो पहला ज़िला हो जाएगा आपका उदयपुर, दूसरा हो जाएगा आपका डूंगरपुर, तीसरा हो जाएगा प्रतापगढ़ और चौथा ज़िला हो जाएगा चित्तौड़। ये आपके 4 ज़िले जो सलूम्बर से सीमा रेखा बनाते हैं। आगे बात करते हैं सलूम्बर के भूगोल के बारे में कि ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है जो सलूम्बर के साथ हम लोगों को पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लसाड़िया के पठार की। लसाड़िया का पठार पहले हम लोग उदयपुर ज़िले में पढ़ा करते थे और हम लोग पढ़ते थे कि उदयपुर की जो जैसमंद झील हुआ करती थी, जैसमंद झील अब कौन से ज़िले में आ गई है? सलूम्बर ज़िले में आ गई है। तो हम लोग पढ़ा करते थे कि लसाड़िया का जो पठार है ये पठार आपका जैसमंद झील के, किसके? जैसमंद झील के उत्तर पूर्व में। कौन सी दिशा? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे उत्तर पूर्व दिशा में। उत्तर पूर्व दिशा में कटा फटा पठार विच्छेदित पठार बोल सकते हैं हम इसको, विच्छेदित
पठार, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? लसाड़िया के पठार के नाम से जानते हैं। लसाड़िया का पठार जो है ये आपका अब कौन से ज़िले में आ गया, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे सलूम्बर। कौन सा ज़िला? सलूम्बर। फिर लसाड़िया का पठार जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक आंदोलन आता है और उस आंदोलन का नाम है लसाड़िया आंदोलन। लसाड़िया आंदोलन जो है ये संत माओजी के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? संत माओजी के द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था? लसाड़िया आंदोलन। अब लसाड़िया आंदोलन से जुड़े संत माओजी की यदि हम लोग बात करें तो संत माओजी का संबंध यानी इनका जो जन्म हुआ था ये साबला गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? साबला गांव, डूंगरपुर। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था और उस संप्रदाय का नाम था निष्कलंक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? निष्कलंक संप्रदाय। निष्कलंक संप्रदाय की प्रधान पीठ की यदि हम लोग बात करें तो निष्कलंक संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है ये आपकी साबला गांव में स्थित है। कहाँ स्थित है? साबला गांव में। और साबला गांव पड़ता है कौन से ज़िले में? डूंगरपुर में। इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, उस ग्रंथ का नाम था चोपड़ा। माओजी का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या था? चोपड़ा। और इनको कृष्ण का अवतार माना जाता है। संत माओजी को किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का अवतार माना जाता है। फिर इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। यानी ये किसके संस्थापक थे, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम जो कि कहाँ स्थित है? नवाटापुरा डूंगरपुर। और बेणेश्वर धाम जो है ये आपकी त्रिवेणी संगम के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे तीन नदियाँ कौन कौन सी? माही, सोम और जाखम त्रिवेणी संगम बनाती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी कौन सी है। तो त्रिवेणी संगम कौन से स्थान पर, बेणेश्वर में किन किन नदियों का होता है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे माही, सोम और जाखम नदियों का। बेणेश्वर पर मेला भरता है माघ पूर्णिमा को। मेला कब भरता है? माघ पूर्णिमा को मेला भरता है, जिसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ। तो प्रश्न सीधा सा एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान में वह कौन सा स्थान है जिसको आदिवासियों के कुंभ के नाम से जाना जाता है, तो हम लोगों का आंसर होगा बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है, तो हम लोग आंसर करेंगे डूंगरपुर जिले में, नवाटपुरा तहसील जो है वहाँ पे। और यहाँ पे तीन नदियों का संगम होता है, सोम, माही और जाखम। ज्योग्राफी में आगे बात करते हैं तो हमारे सामने आती है जैसमंद झील। जैसमंद झील जिसको हम पहले पढ़ा करते थे उदयपुर ज़िले में, अब उदयपुर ज़िले में नहीं होगी, अब कौन से ज़िले में होगी, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे सलूम्बर में। जैसमंद झील के अन्य नाम की यदि हम बात करें तो इसका अन्य नाम हमें देखने को मिलता है डेबर झील। इसको क्या कहा जाता है? डेबर झील। और इस झील का निर्माण उदयपुर महाराणा जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया था। और इन्हीं के नाम पर इस झील का नाम क्या पड़ा? जैसमंद झील। अब इस झील का जो निर्माण करवाया गया वो एक नदी के पानी को रोककर करवाया गया। उस नदी का नाम था गोमती नदी। उस नदी का नाम क्या था? गोमती नदी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि गोमती नदी के पानी को रोककर अकाल राहत कार्यों में राज सिंह ने कौन सी झील का निर्माण करवाया था। अन्य नदियों की यदि हम बात करें तो इस झील में दो नदियां और आके गिरती है, उनमें एक नदी का नाम है केलवा। एक का नाम क्या है? केलवा। और एक का नाम है जामरी। केलवा और जामरी ये दो नदियां आके गिरती है कौन सी झील में? जैसमंद झील में। फिर ये जो झील है ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। मीठे पानी की कृत्रिम झील है कौन सी? जैसमंद झील। इस झील पर छोटे बड़े 7 टापू स्थित है। कितने टापू स्थित है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 7 टापू स्थित है। उन 7 टापुओं में सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम है बाबा का भाकड़ा। और सबसे छोटा जो टापू है उसका नाम है प्यारी। उसका नाम क्या है? प्यारी। तो आप लोग यूँ याद कर सकते हो कि घर में सबसे बड़े बाबा होते हैं,
और सबसे छोटा बच्चा जो होता है उसको प्यारी के नाम से पुकारते हैं। तो ऐसे करके आप लोग टापुओं के नाम याद कर सकते हो। सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम है बाबा का भागड़ा और सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? प्यारी। इस झील से दो सिंचाई नहरें निकाली गई है। कितनी? दो सिंचाई नहरें निकाली गई है। और इन दोनों सिंचाई नहरों की यदि हम बात करें तो पहली जो नहर है उसका नाम है आपका श्यामपुरा। नाम क्या है? श्यामपुरा। और दूसरी नहर का नाम है भाट। श्यामपुरा और भाट नामक नहरें कौन सी झील से निकाली गई है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे जैसमंद झील से। पीछे एक एग्जाम में सीधा सा प्रश्न पूछा गया था कि श्यामपुरा और भाट नहरों का संबंध राजस्थान की किस झील से है, तो उसमें हमारा आंसर क्या होना चाहिए? जैसमंद झील। आगे बात करते हैं इस जैसमंद झील के चारों तरफ स्थित जैसमंद अभयारण्य के बारे में। और जैसमंद अभयारण्य जो है ये आपका जैसमंद झील के चारों तरफ स्थित है। जैसमंद झील के चारों ओर का जो क्षेत्र है, चारों ओर का जो क्षेत्र है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? जैसमंद अभयारण्य के नाम से जानते हैं। ये जो अभयारण्य है इसको जलचरों की बस्ती कहा जाता है। यानी इसको क्या कहा जाता है? जलचरों की बस्ती। ये प्रश्न सीधा सा पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अभयारण्य जलचरों की बस्ती के नाम से प्रसिद्ध है? तो हम लोगों का आंसर होता है जैसमंद अभयारण्य। अब जैसमंद अभयारण्य जो है ये आपका बगेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बगेरों के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अंदर रूठी रानी का महल बना हुआ है। किसका महल? रूठी रानी का महल बना हुआ है, जिसको पहले हम लोग बोला करते थे उदयपुर का हवा महल। पहले क्या बोलते थे? उदयपुर का हवा महल। लेकिन अब यदि हम बात करें तो ये रूठी रानी का जो महल है ये आपका सलूम्बर का हवा महल। किसको कहेंगे? रूठी रानी के महल को। और ये कौन से अभयारण्य में स्थित है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे जैसमंद अभयारण्य में। आगे बात करते हैं, ये आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट थी। मैंने आपको कहा था बहुत छोटा सा जिला है और इतना सा ही ज्योग्राफी में चेंज हुआ है जो मोटा मोटी हम लोगों से एग्जाम में पूछा भी जाता है। चाहे आपका लसाड़िया का पठार हो चाहे आपकी जैसमंद झील हो, दोनों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इतिहास की। इतिहास में सलूम्बर जो है ये आपका मेवाड़ के जो 16 उमराव थे उनमें शामिल सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? सलूम्बर का ठिकाना। तो सलूम्बर ठिकाना जो है ये आपका मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कैसा था? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। उसके बाद यदि हम बात करें तो महाराणा लाखा, आप लोगों को पता होगा कि हंसाबाई से शादी करने के लिए चुंडा ने प्रतिज्ञा की थी। उस प्रतिज्ञा से खुश होकर महाराणा लाखा ने चुंडा को जो ठिकाना दिया था, यानी टोटल चार ठिकाने कौन कौन से दिए थे? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे, आप सीधा याद कर सकते हो इनको ABCD। ए का मतलब आमेट, एक ठिकाने का नाम था आमेट। दूसरा जो था उसका नाम था बेंगू। तीसरे का नाम था सलूम्बर, सी से सलूम्बर याद रख लो। और चौथा जो था उसका नाम था देवगढ़। इन चारों ठिकानों में सबसे बड़ा जो ठिकाना था उसका नाम था सलूम्बर। सलूम्बर जो ठिकाना है ये महाराणा लाखा ने किसको दिया? चुंडा को। और चुंडा के नाम पर यहाँ पे जो शाखा उत्पन्न हुई उसको हम बोलते हैं चुंडावत। क्या बोलते हैं? चुंडावत। तो सलूम्बर ठिकाना किसका ठिकाना था? तो हम लोग आंसर करेंगे चुंडावतों का। अब महाराणा लाखा के लिए चुंडा ने जो त्याग किया था उस त्याग के बदले चुंडावत जो थे सलूम्बर के, उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। उन विशेष अधिकारों की यदि हम बात करें, विशेष अधिकार किनके? सलूम्बर के जो चुंडावत थे उनके। तो उनमें पहला विशेष अधिकार ये था कि मेवाड़ की सेना का हरावल दस्ता ये हमेशा किसके पास रहता था? चुंडावतों के पास रहता था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हरावल दस्ते से क्या तात्पर्य है। हरावल सेना के कौन से भाग को कहते हैं? आगे वाले भाग को कहते हैं या पीछे वाले भाग को कहते हैं? फिर दूसरा इनको जो विशेष अधिकार प्राप्त था वो ये था कि मेवाड़ महाराणा की अनुपस्थिति में राजधानी जो है
राजधानी, सलूम्बर सलूम्बर के सामान संभालते थे। फिर बात करते हैं तीसरे नंबर, इनका जो विशेष अधिकार था वो ये था कि मेवाड़ के जितने भी मेवाड़ के कागज पत्रों पर महाराणा के नीचे, या यूं बोल सकते हैं कि महाराणा के साथ सलूम्बर के सामंत के सिग्नेचर होते थे, सलूम्बर के सामंत के हस्ताक्षर होते थे। और चौथी यदि हम बात करें तो मेवाड़ के जो महाराणा थे, मेवाड़ के महाराणा का राजतिलक किसके द्वारा किया जाता था, तो हम लोग आंसर करेंगे सलूम्बर के सामंत के द्वारा। तो इस प्रकार से यह आपका सलूम्बर ठिकाने का इतिहास हुआ। तो सलूम्बर ठिकाने की यदि हम बात करें तो मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। महाराणा लाखा ने चुंडा को जो ठिकाने दिए थे उन चार ठिकानों में सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था, तो हम लोग आंसर करेंगे कौन सा, सलूम्बर का ठिकाना। सलूम्बर का ठिकाना जो है चुंडा को उसकी प्रतिज्ञा के बदले दिया गया था। ऐसे में सलूम्बर ठिकाना जो था उसको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। उनमें यदि हम बात करें तो पहला विशेष अधिकार ये था कि सेना का जो हरावल दस्ता होता था उसके मुखिया हमेशा चुंडावत होते थे। दूसरा ये था कि मेवाड़ महाराणा यदि अनुपस्थित होता तो ऐसी कंडीशन में राजधानी संभालने का काम सलूम्बर के सामंत किया करते थे। और तीसरा विशेष अधिकार ये था कि मेवाड़ के जो कागज पत्र थे उनके ऊपर महाराणा के साथ सलूम्बर के सामंत के हस्ताक्षर होते थे। और चौथा विशेष अधिकार था सलूम्बर के जो सामंत थे ये मेवाड़ के जो महाराणा थे उनका राजतिलक किया करते थे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि चुंडा के द्वारा राज्याभिषेक बोल सकते हैं, राजतिलक या राज्याभिषेक। चुंडा जो था, चुंडा के पुत्र का क्या नाम था, चुंडा का पुत्र क्या, लाखा के पुत्र का क्या नाम था जिनका राज्याभिषेक चुंडा के द्वारा किया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि लाखा के पुत्र का क्या नाम था जिनका राज्याभिषेक किसके द्वारा किया गया, चुंडा के द्वारा किया गया। इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। आगे बात करते हैं इतिहास में सलूम्बर ठिकाना जो है यहाँ की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ की हाड़ी रानी फेमस है। और हाड़ी रानी का जो स्मारक है वो कहाँ पे बना हुआ है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे सलूम्बर में। कहाँ पे बना हुआ है, सलूम्बर। हाड़ी रानी का मूल नाम था सहल कंवर। नाम क्या था, सहल कंवर। और सहल कंवर रतन सिंह की पत्नी थी जिनका नाम क्या था, सहल कंवर। सहल कंवर जो थे, रतन सिंह जब युद्ध के लिए जा रहे थे, आप लोगों को पता होगा चारुमति विवाद। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि चारुमति कहाँ की राजधानी थी। चारुमति को लेकर औरंगजेब और राज सिंह के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे रतन सिंह। चुंडावत जो थे इनकी जस्ट शादी हुई थी और शादी के बाद बुलावा आ गया कि भाई आपको मेवाड़ की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए जाना है। तो ऐसे में रतन सिंह जब युद्ध के लिए जा रहे थे तो इन्होंने सहल कंवर से निशानी मांगी थी, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं सेनानी। तो रतन सिंह ने जब अपनी पत्नी सहल कंवर से सेनानी मांगी, जिसको हम लोग बोलते हैं निशानी, कि भाई आपकी कोई याद के लिए निशानी दो। तो ऐसे में सहल कंवर ने कहा कि अगर मैं इनके लिए निशानी भेजूंगी तो हो सकता है कि ये उसी में खोए रहे और अच्छे से युद्ध नहीं कर पाए। तो वो इनके युद्ध में बाधा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए इन्होंने अपना सिर काट के दे दिया था। सिर काट कर सेनानी के रूप में प्रस्तुत कर दिया था, किसके लिए, रतन सिंह के लिए। तब से एक प्रसिद्ध उक्ति है, चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दियो शत्राणी। तो ये जो कावत है, इस कावत का संबंध हाड़ी रानी सहल कंवर से है
और किन की पत्नी थी, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे रतन सिंह की पत्नी। अब सेनानी नाम से एक रचना भी है, और ये जो रचना है ये मेघराज मुकुल की है। किसकी है? मेघराज मुकुल की रचना है। फिर बात करते हैं हड़ी रानी की बावड़ी, और हड़ी रानी की बावड़ी हम लोग जब केकड़ी जिला कर रहे थे उस समय हमने किया था टोडा राय सिंह। कहाँ पर स्थित है? टोडा राय सिंह टोंक में। आगे बात करते हैं कल्चर की, तो कल्चर में आपका आता है इडाना माता का मंदिर। इडाना माता का जो मंदिर है ये आपका बम्बोरा गांव में स्थित है। कहाँ स्थित है? बम्बोरा गांव में स्थित है, और बम्बोरा गांव कहाँ पड़ता है तो हम लोग आंसर करेंगे सलूम्बर में। कहाँ पड़ता है? सलूम्बर में। ये जो इडाना माता है इनका अन्य नाम हम देखते हैं अग्निवाली देवी। अन्य नाम क्या देखते हैं? अग्निवाली देवी। तो प्रश्न सीधा सा पूछा जा सकता है कि इडाना माता मंदिर कहाँ है। पहले हम लोग उदयपुर पढ़ते थे, अब हम लोगों को आंसर क्या करना है? सलूम्बर में। फिर बात आती है एक और मंदिर की जिसका नाम है गोसण बाबा जी का मंदिर। गोसण बाबा जी जो है इनको हम बेल वाले बाबा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बेल वाले बाबा। बेल वाले बाबा के नाम से भी इनको जाना जाता है, और इनके मंदिर पर जो कोई मन्नत मांगता है और मन्नत जब पूरी हो जाती है तो इनको पत्थर का बेल अर्पित किया जाता है जब मन्नत पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये आपके दो मंदिर थे। इन दो मंदिर के बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के बारे में, और उनमें पहला नाम आता है भूरेलाल भैया से। यानी यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व नहीं, वो व्यक्तित्व जिनका संबंध सलूम्बर से रहा है, उनमें सबसे पहले जो थे उनका नाम था भूरालाल भैया। और भूरालाल भैया जो थे ये आपके मेवाड़ प्रजामंडल के, किसके? मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष थे। और मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जब मेवाड़ में सत्याग्रह की बात आई, तब ये दिल्ली से गांधी जी से मिलकर जब ये कहाँ आ रहे थे उदयपुर, इस समय इनको उदयपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। और इनको जो कैद रखा गया था वो कैद रखा गया था सराड़ा के किले में। कहाँ रखा गया था? सराड़ा के किले में। तो प्रश्न सीधा सा पूछा जा सकता है कि मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के दौरान भूरेलाल भैया जो थे इनको कहाँ पे कैद रखा गया, तो हम लोग आंसर करेंगे सराड़ा। और सराड़ा कहाँ पे स्थित है? सराड़ा का किला, और ये सराड़ा स्थित है कहाँ पे? सलूम्बर। फिर सराड़ा का जो किला था ये ब्रिटिश काल में कैद या यूं बोल दो जेल या कारागृह के रूप में प्रयुक्त होता था, और इसको मेवाड़ का काला पानी कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? मेवाड़ का काला पानी कहा जाता था। तो प्रश्न सीधा सा पूछा जाता है कि मेवाड़ के काला पानी के नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है, तो हम लोगों का आंसर होगा सराड़ा का दुर्ग। अब बात कर लेते हैं मेवाड़ प्रजामंडल की। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938 को। 24 अप्रैल यदि हम बात करें तो बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि स्थानीय स्वशासन जो है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। फिर 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो होती है ये आपकी एक व्यक्ति के मूल निवास, या अपन यूँ बोल सकते हैं घर पे होती है, और उस घर को बोलते हैं साहित्य कुटीर। क्या बोलते हैं? साहित्य कुटीर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये साहित्य कुटीर जो है भवन ये किसका घर था जहाँ पे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाया गया बलवंत सिंह मेहता, और उपाध्यक्ष बनाया गया था भूरेलाल भैया, जबकि मंत्री बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा। इनको क्या बनाया गया? मंत्री बनाया गया किसका? मेवाड़ प्रजामंडल का। और लास्ट हम लोग बात करते हैं रमेशचंद व्यास की। रमेशचंद व्यास जो है इनका संबंध
आमली भीलवाड़ा से, इनका संबंध कहाँ से है, आमली भीलवाड़ा से है, और ये डोंगरा शूटिंग अभियोग के ख्याति प्राप्त क्रांतिकारी थे। डोंगरा शूटिंग अभियोग जो है उसके ख्याति प्राप्त क्रांतिकारी कौन थे, रमेश चंद्र व्यास। मेवाड़ के प्रथम सत्याग्रही हम इनको बोलते हैं, और माणिकलाल वर्मा ने इनको मेवाड़ में जो सत्याग्रह था उसकी कमान सौंपी थी, और इसी के अंतर्गत मेवाड़ में 4 अक्टूबर 1938 को सत्याग्रह करना था। उसी सत्याग्रह के रिगार्डिंग अजमेर से ये उदयपुर के लिए चलते हैं, और रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है खेमली रेलवे स्टेशन, उस खेमली रेलवे स्टेशन पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। खेमली रेलवे स्टेशन पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और इनको बंदी कहाँ पे बना के रखा गया, तो हम लोग आंसर करेंगे लसाड़िया जेल में। लसाड़िया जेल जो है ये आपकी लसाड़िया का जो पठार है, लसाड़िया का पठार वहाँ पे स्थित है, और ब्रिटिश काल की जेल है। तो इस प्रकार से ये आपका छोटा सा जिला हुआ जिसका नाम था सिलुंबर। तो आप लोग चाहें तो इसके आराम से अच्छे से नोट्स तैयार कर सकते हैं। यदि आप लोगों को जानकारी पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। साथ ही वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी कर दिया करो। केवल नोट्स बना के और पढ़ के निकल जाते हो, तो थोड़ा सा लाइक करोगे तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा, और आप लोगों के लिए और अच्छी जानकारी जुटाने का मैं प्रयास करूँगा। धन्यवाद।